हमीरपुर जिला के पांचों निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना में 400 कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इसके लिए पहला प्रशिक्षण चरण पूरा कर लिया गया है, जबकि दूसरी रिहर्सल 17 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 18 दिसंबर को सुबह 5 बजे मतगणना के लिए नियुक्त कर्मचारी हमीरपुर बाल स्कूल में मतगणना केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर संदीप कदम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के सभी पांचों निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना हमीरपुर बाल स्कूल में 18 दिसंबर को की जाएगी। संदीप कदम ने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं, तथा चुनाव आयोग को दिशा निर्देश के अनुसार ही मतगणना के पुख्ता प्रबंध भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान किसी भी अधिकारी तथा कर्मचारी को मोबाइल फोन मतगणना केंद्रों पर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त संदीप कदम ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना की आवश्यक तैयारियों के पूर्व प्रबंध करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। जी 18 तारीख को सुबह 8 बजे सभी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए मतगणना हमीरपुर जिले के सभी एसीज के लिए शुरू की जाएगी। यह मतगणना हमीरपुर में जो हमारा बॉयज स्कूल है उस बॉयज स्कूल में की जाएगी। इसके लिए जो काउंटिंग हॉल्स तैयार होने हैं उसका प्रोसेस जोर शोर से चला हुआ है और आज वो हमारे तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ जो है उसके लिए जो मैन पावर आइडेंटिफाई करनी है वो हमने कर ली है और उसकी प्रथम प्रशिक्षण जो है रिहर्सल जो है वो हो चुकी है। 17 तारीख को द्वितीय रिहर्सल इसकी कराई जाएगी और इसके साथ साथ इस पूरी प्रोसेस के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता तरीके से सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा चुकी है और उसी के साथ हम उस दिन जो है पूरे क्षेत्र में जो आसपास का क्षेत्र होता है वो पेडेस्ट्रियन जोन किया जाता है। इसका मतलब वहाँ पे व्हीकल्स नहीं अलाउ होंगे। तो और उसी के साथ जो हमारा मीडिया ये काउंटिंग सेंटर है तो उस बिल्डिंग के अंदर कहीं पे भी मोबाइल्स भी अलाउड किसी को भी नहीं होते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी हो चुकी है। उसी के साथ पब्लिक कम्युनिकेशन रूम, मोबाइल डिपोजिशन रूम और मीडिया सेंटर भी हमने तैयार कर लिया है। संदीप कदम ने कहा कि हमीरपुर के बाल स्कूल में मतगणना केंद्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पूरी प्रोसेस के जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग हमारी हो जाएगी उसके बाद एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक वीवीपैट मशीन को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उसके अंदर के जो वीवीपैट की जो स्लिपें हैं उनका काउंटिंग किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर एसपी हमीरपुर रमन मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसएसबी के अलावा मतगणना के दिन 140 अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए बाल स्कूल खेल मैदान में भी कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो सके। मेन कंसर्न है हमारा, एक तो इसको नौ व्हीकल जोन जो होता है 100 मीटर के दायरे में उसके हम कोशिश करेंगे कि कोई व्हीकल आए। साथ ही साथ सिर्फ जो स्टाफ होगा जो ऑथराइज गाड़ियां वो ही बॉयज स्कूल का जो ग्राउंड है एंट्रेंस सिर्फ इस तरफ से रखी जाएगी जो मतगणना केंद्र है उसकी जो सीढ़ियां नीचे ग्राउंड की तरफ खुलती है स्कूल की वहां पर पहला डीएफएमडी हिट टर्म लगाएंगे जिससे पूरी फ्रिस्किंग और जांच के बाद ही हम आगे जाने देंगे। उसके बाद दूसरा गेट हम लगाएंगे जो बिल्डिंग मेन बिल्डिंग में एंट्री के लिए जो साइड गेट है वहां से। बाकी ये पूरा चारों तरफ सील रहेगा। ट्रैफिक के रेगुलेशन की जो एक बड़ी समस्या सामने आई क्योंकि स्कूल के जस्ट पीछे मतगणना केंद्र के पीछे हाईवे है तो वहां पर पूरी फोर्स काफी लगाई है हमने। कुल 140 जो हमारी अभी फोर्स लगी है उससे उसके अलावा 140 और हमारे पुलिसकर्मी हम कैमरे लगाएंगे ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से रहे। दूसरा क्राउड कंट्रोल क्योंकि विरोधी पार्टियों के उनके समर्थक उनके कार्यकर्ता एक ही जगह पे इकट्ठा होंगे तो किसी तरह की कोई उनमें क्लैश ना हो इसको ध्यान रखते हैं। 2 QRT हम स्टेशन रखेंगे पुलिस ग्राउंड ये स्कूल ग्राउंड में। साथ ही फोर्स जिसमें कि हमारे एक एनजीओ 5-10 हेड कांस्टेबल 20 कांस्टेबल और 10 लेडी कांस्टेबल ये हर वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। किसी भी ऐसी घटना की शुरुआत होते ही कोशिश करेंगे भीड़ को तितर-बितर करना।